भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने अधिकृत उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें धार जिले की कुक्षी विधानसभा से अधिकृत उम्मीदवार भाजपा के युवा नेता प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। अधिकृत उम्मीदवार घोषित होने के बाद प्रथम दही आगमन पर नगर के वरिष्ठ जनों कार्यकर्ताओं द्वारा जयदीप पटेल का जोरदार स्वागत किया गया। जयदीप पटेल ने कार्यकर्ताओं के साथ रैली के रूप में नगर में जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद लिया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयदीप पटेल ने कुक्षी विधानसभा को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया है। दही से शाहरुख बलोच की रिपोर्ट। तो एक महीने में काम होना चालू होना चाहिए, दो महीने में चालू होना चाहिए, तीन महीने में चालू होना चाहिए, चार महीने में चालू होना चाहिए, पाँच महीने में चालू होना चाहिए, छह महीने में चालू होना चाहिए, सात महीने में चालू होना चाहिए, आठ महीने में चालू होना चाहिए, लेकिन आठ महीने तक दही का काम शुरू नहीं हुआ था। और जैसे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने और दही की उद्वन सिंचाई परियोजना का भी काम शुरू हुआ, मैंने तारीख सही दिया जब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा तो तारीख सही बताया। इसी प्रकार से मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दो तीन गांव में मुझे जो सूचना मिली कि कांग्रेस के विधायक 10 साल से विधायक थे, वो 10 साल में जो राशि रहती है वो 20 करोड़ रुपए रहती है। हम सब कार्यकर्ताओं को पूछना चाहिए कि 20 करोड़ में से हमारे गांव में क्या विकास कार्य किया। मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, चार पांच जगह से मुझे ये शिकायत आई है कि उसने ट्रांसफार्मर जो लगाए केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता के लगाए और वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को लाइट कनेक्शन भी लेने लगा। लेकिन कार्यकर्ता बंधुओं चिंता मत करो, आने वाले समय में भी हम सभी कार्यकर्ताओं के घर में ट्रांसफार्मर लगा के छोड़ेंगे। और जितने हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।